बर्थ पक्का कर लिया है, कितने खुश हैं अपने और टीम की परफॉर्मेंस है? देखें तो खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही हमारा टारगेट था और यही एक एम रखे आए थे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे और गोल्ड मेडल जीत के जाएंगे। और होल ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की बात करूँ तो टीम का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा है। एंड आज के मैच की बात करूँ तो एज ए टीम हमने डिफेंस बहुत अच्छा किया है, आज स्कोर भी किए हैं, बट आई थिंक उनको बहुत कम मौके दिए हैं कि वो हमारे टीम में आके और गोल कर सकें। बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है तो पूरा टूर्नामेंट जबरदस्त रहा है, तो एक कप्तान के तौर पे अपनी टीम से और कोई क्या मांग सकते थे? नहीं सर, बेस्ट टीम है सर, क्योंकि जितने भी हमारा कोर ग्रुप है और उन सबका हार्ड वर्क है एंड सभी अपना बेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी को वैल्यू पता है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं और क्या हमारे टारगेट्स हैं। तो टीम का बोलूँ तो बहुत अच्छा रहा है और सभी ने अपना 100% दिया है, पूरा एफर्ट दिया है, तो ऐसे टीम ही हम खेल के सब जीते हैं सर। और एक सवाल, अब यहाँ से आपके पास पूरा वक्त है ओलंपिक की तैयारी करने का, तो अब पूरा जान लगाने का टाइम आ गया, पूरा क्लियर कट बोले कोई क्वालिफायर नहीं खेलना, कोई कुछ नहीं खेलना? बिल्कुल, जितना भी टाइम है हमारे पास हम मेक श्योर के हम पेरिस के लिए रेडी रहें एंड जितने भी उससे पहले हम जितने भी टूर्नामेंट्स खेलें उनको अच्छे से एनालाइज करें, वहाँ से सीखें। और क्योंकि एशियन गेम से पहले हम एशियन चैम्पियन ट्रॉफी खेले थे तो सभी टीम के साथ खेलना, वहाँ से सीखना और यहाँ पे अच्छा फिनिश करना, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और सेम है कि पेरिस में जाने से पहले भी हम जितने भी हमारे मैचेस हैं, जितनी भी बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, तो मेक श्योर कि हम हर एक मैच से वो सीखें और पेरिस में उस चीज़ को अप्लाई करें। मंदी भाई, एक और गोल्ड मेडल, और ये आप वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2014 में भी गोल्ड मेडल लिया था, तो ये दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल है, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा यही फोकस था जब हम इधर आए थे कि सबसे यही था कि हमें ओलंपिक क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर देखा जाए वर्ल्ड नंबर 3 पे हमारी अभी रैंक है हमारा, तो हमें उसको मेंटेन रखना था। कि स्टार्टिंग से यही मेंटेलिटी थी कि हमें हर एक मैच बाय मैच जाना है और जीतना है, और बहुत खुश हूँ कि आज गोल्ड मेडल हमने जीता है फाइनली। बहुत सारे मैचों में ऐसा हुआ कि खाता आप ही ने खोला है, तो उस हिसाब से आप खुद भी बहुत खुश होंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस से? बिल्कुल, क्योंकि देखो ये मैं ऑलवेज यही बोलता हूँ जब भी गोल्स की बात आती है कि ये टीम गोल्स होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं होता है। ठीक है, मैं आगे खेलता हूँ, पीसी बनाता हूँ, गोल्स करता हूँ, तो मेरा यही बिलीव रहता है कि मैं एक टीम गोल करूँ, इंडिविजुअल हूँ रहूँगा तो फिर नहीं गोल होंगे, तो खुशी है मुझे। बिल्कुल, और एक बार फिर वो लम्हा जीने को मिला आपको पोडियम में चढ़ना, नेशनल एंथम का बजना, गोल्ड मेडल का झंडा, वो बिल्कुल आई थिंक ये मेरी लाइफ का आई थिंक बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि जब बोर्ड में ऊपर चढ़े थे और बहुत फीलिंग अलग थी वो, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, क्योंकि यही बात की थी कि खुल के खेलो, जो आप बेस्ट हॉकी खेलो अपनी, क्योंकि जितनी आप हॉकी खेले हो, जो प्रैक्टिस की है, जितना भी आप हार्डवर्क किया आपने बेंगलोर पे, वो आज शो करना है, क्योंकि सभी को फ्रीडम थी कि आप ओपनली खुल के खेलना है, बस नो प्रेशर, तो यही था। पार्टी का भी जाके देखते हैं, मेरा तो हैमस्ट्रिंग हुआ है, मुझे तो उसको रिकवर करना है अभी पहले। थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, पहले तो मैं बोलूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि हमने ये ओलंपिक क्वालिफाई किया, क्योंकि हमारा एक ही एम था जब हम इधर आए थे कि हमें हम जकार्ता में हमने ब्रॉन्ज जीता था, बट स्टिल हम जब आए हमें क्वालिफाई के लिए पीछे भागना पड़ा, तो जब हम इधर आए तो हमारा माइंड सेट यही था कि हमें गोल्ड मेडल जीतना है, और खुशी की बात यह है कि आज हमने गोल्ड। जब फाइनल से पहले क्या कुछ टीम में बात हुई थी, क्या जकार्ता का जिक्र हुआ था? आई थिंक ये जकार्ता का जिक्र तो पहले कर दिया था हमने गोल्ड मेडल से पहले, और जब लास्ट दिन यही था कि you have won the gold medal, what do you have to say, because you're a part of the 2014 team as well? Yes, the second goal in the pocket, so really happy, honored. Definitely one of the best moments, because I've been through both the situations, playing in the qualifier round and getting a direct ticket to Olympics. So it's a two different scenarios, and getting a direct ticket to Paris next Olympics is a great thing. And now we got enough time to prepare, looking into ourselves, prepare for next Olympic Games, and we got that slot to chart the thing. So it's a great feeling for us.
and every win is special, and but this final win before the match is special, and also the win against Pakistan, because you decimated 10-2, some teams were beaten 16-0, 15-1, that was the scoreline. So clearly goes to show this Asian Games is not India's victory, it's India's domination. See, it shows that where we are standing in Asia, and I mean, definitely in world ranking we are on third or fourth, definitely. So that's it's not luck why we are there. So we wanted to show to the world that why we are there, and in this performance here in Asian Games, I think that cemented it really. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.